जब मैं उधर लाहौर गया हुआ था और पीछे से तूफानी बारिश और तूफान आया, ये हाल हो गया छत का, अलम पाक सारे उड़ गए। उसकी वो तलवार भी है, आगे लेके जाओ ना उसकी तलवार, तलवार बंद कर यार, वरना मेरे दामी ने तो मैं बार इतने से आप 722 हो चुके हैं, मतलब कि मगरबैन का वक्त हो चुका है, तो सारे आज़ादार मगरब की नमाज़ पढ़ने हमें मंबरगा आ चुके हैं। तो इसी वजह से आज़ादारी आज़ादारी हर वक्त, लेकिन नमाज बार वक्त। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जिंदगी बाय जाफर सज्जाद। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे, सेहत तबीयत मिजाज आपके ठीक ठाक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। जो लास्ट मेरे ब्लॉग्स को फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि बाबा भी आ चुके हैं पाकिस्तान में मुहर्रम करने। तो जब मैं उधर लाहौर गया हुआ था और पीछे से तूफानी बारिश और तूफान आया, ये हाल हो गया छत का, अलम पाक सारे उड़ गए। ये सारे अलम पाक उड़ इस वजह से गए कि लास्ट टाइम मैंने इनको सुई धागे के साथ नीचे से टाइट कर दिया था। इस दफ़ा मैंने कहा कि नहीं, ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो सारे के सारे ही उड़ गए। तो फिर ये अलम पाक सारे उठा के रख लिए। नक्की साहब भी साथ हैं, नक्की आपकी तलवार आ गई, आपने कहा था तलवार ले के आइएगा, और मादी भी आ गया। तो अब मादी जो है वो क्या करेगा, मादी अलम पाक बारी बारी जो है इनके ऊपर जो है लगाता जाएगा, और मैं और नकी जो है पीछे से सुई धागे के साथ लगाते जाएंगे। तो जल्दी जल्दी काम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आगे पुरसे भी पढ़ने हैं, फिर पुरसेदारी पे जाना है, फिर मजलिस होनी है, मेरे पास फिर टाइम नहीं बनना। अच्छा जी, अलम पाक जो है हमने लगाने शुरू कर दिए हैं। मादी साहब अभी उन्होंने पहला अलम माशाल्लाह लगा लिया। मादी आपको कमाल आपने कर दिया, उस मादी को दिखाओ ना। अल्हम्दुलिल्लाह अलम पाक जो है वो लगा लिया है, और हम लोग पीछे से अलम भी लगा रहे हैं। और भाई आपके पास कौन सा वाला है, हाफ वाला? मेरे पास हाँ ये वाला है जिसपे मौला का पंजा भी बना हुआ है, तो वो नकी को दिखाओ जरा। उसकी वो तलवार भी है, आगे लेके जाओ ना उसकी तलवार, तलवार बंद कर यार, वरना मेरे दामी तो मैं जी। जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे हैं, हमने मातमदारी पे भी जाना है, सारे अल्हम्दुलिल्लाह से अलम हम लोग लगाई जा रहे हैं। नकी और मादी जो है वो आगे देख रहे हैं, मादी और चाचा कमर जो है वो लगा रहे हैं, मैं और नकी पीछे से सुई धागे से लगाई जा रहे हैं, और नकी शाह जी जो है वो अलम पाक इस अलम पाक पे पहुंचे। और नकी शाह जी आपकी तलवार आ गई है इसमें भी, और तलवार आई है, और हवा बड़ी बेहतरीन चल रही है, जिससे अलम जो है ना माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लगेंगे। एक दफ़ा पूरे कंप्लीट हो लें, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे बेहतरीन लगेगा। ऊपर से मज़े की बात यह है कि जो फ्रंट पे हमारे घर के बैनर लगा था वो भी हवा के साथ उड़ गया है, तो उड़ा मतलब है कि खील शील सारे निकल गए। आंधी काफ़ी सख्त किस्म की थी, तो बाकी बाहर जल्दी जल्दी ये वाइंड अप करते हैं, कुछ ही अलम रहेंगे। वो चाचा कमर के काम देखे, चाचा कमर ऊपर चढ़ के बैठ गए, और एक दो तीन चार चार अलम पाक रह गए हैं, बाकी इंशाल्लाह ये साथ साथ पड़े हैं जो लगा रहे हैं। ये धागा भी पड़ा है और ये साथ साथ लगाई जा रहे हैं, और डंडा ना तोड़ दे, डंडा ना तोड़े आया जी। अल्हम्दुलिल्लाह से सारे अलम पाक जो हैं जी वो लगा दिए गए हैं, और बेहतरीन सा माहौल बन गया। हवा जैसे थोड़ी सी तेज होगी, अलम सारों का एक तरफ रुख होगा, फिर एक जो वीडियो का क्लिप बनेगा बड़ा कमाल बनेगा, और अल्लाह करे वो तब मैं घर हूँ। कोशिश तो हो रही है कि मेरे वो क्लिप बन जाए, ताकि वो क्लिप जो है अंदर ऐड हो जाए, लेकिन मुश्किल है अभी तक हवा का वो। हाँ, हवा की स्पीड नहीं है, यूट्यूब शॉर्ट पे भी आ सकता है क्लिप अगर जिस दिन हवा तेज होगी। चाचा कमर जो है वो अभी तक नीचे शबी पाक को सबील वगैरह करा रहे हैं, तो किधर गए हैं, ओहो ऐसे ये जा रहे हैं। शबी पाक कैसी लग रही है, माशाल्लाह बोलिएगा सारे जी। और अलम पाक जी ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। नकी शाह जी लग गए सुई जाकर, और आ जाए चले आप, आ जाए।
और अब एक और काम मुझे दिमाग ने काम किया है, फरहान के काम भेजा वकील लेके आता है, तो एक और मुझे काम जहन में आया कि वो कर लिया जाए, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ अलम पाक पड़े हैं और एक आधा नकी जो है वो करबला से भी लेके आया था, वो भी अभी तक जो मैं करबला से लेके आया था वो अलम पाक हमेशा इधर सेंटर में लगता है, वो इस दफ़ा शहर पड़ा है तो मेरे माइंड में नहीं रहा लेके आना वो, तो जैसे वो अलम पाक अगर आ जाते हैं मुहर्रम के अंदर वो भी बरामद कर देंगे, लेकिन जो नकी लेके आया हुआ है या हुसैन वाला वो बाहर मेन रोड के ऊपर इंशाल्लाह हम दीवार के साथ लगाएंगे, तो नकी जी आ जाओ जी, आ जाओ जी, वो अलम पाक उठा दे लो, सुई धागा भी उठा दे लो, चलो चलिए। ये जो बैनर है ये हवा से सारा उड़ गया था, इसको दोबारा सेट कर रहे हैं, अब नकी नीचे से सेट कर रहे हैं, मादी और चाचा कमर ऊपर सेट कर रहे हैं। संगत पूरी कंप्लीट नहीं हुई, कुछ हद तक जी आगे हुए हैं, ये भी आपको बच्चा दिखा दें, ये भी नहीं आ गया, अकील खान भी आ गया, अली भी आ गया और बाकी जी भी आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहे हैं साथ साथ, तो लें जी पीछे से नवे खान पार्टी भी आ गई हमारी, अल्लाह शुक्र है अब पूरे हो गए। अब यहाँ से कैमरा जो या मादी करेगा या किसी बच्चे को दे दिया जाएगा तो मैं पुरसा पढ़ाऊँगा, तो पहला पुरसा आज मोहम्मद यार भट्टी साहब का है। संगत के जी जो है ना मेन मातमी है इस टाइम, नवे खान सारे जमा हो चुके हैं, अब एक बंदे का इंतजार है बस, उस्ताद मोहतरम जी। आज जो है अब महात्मी जो है वो लंगर पे टूट पड़े हैं, ये देखे लंगर के लिए कैसे इंतजाम हो रहे हैं, अच्छा वाह जी वाह, वाह जी वाह, लंगर स्टार्ट हो गया, माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला कबूल करे खाते हैं। ये जनाब एक घर से मातमदारी खत्म हो गई है और अब संगत दूसरे घर जा रही है, रास्ते में ही हैं क्योंकि एक ही गली में साथ साथ ही हैं सारे घर, तो दूसरे घर अब जा रहे हैं मौला को पुरसा पेश करने, भाई आगे जा चुके हैं तो हम अभी रास्ते में हैं, इंशाल्लाह अभी अगले घर जाके मातमदारी आपको दिखाते हैं। सारा नजर ना आया,
ਅਸੀਂ ਖੀਰ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਆ ਮਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਵਲਾਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੌਥੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪੂਰੀ ਖੱਬੇ ਨਾਲ ਖਾ ਰਹੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਦੋ ਪਲੇਟਾਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਸਤਾ ਚਾਈਨਾ ਰੋਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖੱਬੇ ਨਾਲ ਖਾਈਏ ਤੇ ਸ਼ਤਾਨ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕੱਚੇ ਤੇ ਖਾਲੀ ਪਲੇਟ ਲੰਗਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਬੋਲਾ ਜੀ ਨਟੂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਲੀ ਪਲੇਟ ਹੋਣੇ ਬਸ हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह दारी और पुरसा दारी का जो दूसरा घर था वो भी ख़त्म हो चुका है माशाल्लाह, वहाँ से भी पुरसा पढ़ लिया है। अब जिस तरह के टाइम देख सकते हैं आप 7:22 हो चुके हैं, मतलब कि मगरबैन का वक्त हो चुका है, तो सारे आज़ादार मगरब की नमाज़ पढ़ने ही हमें मंबरगा आ चुके हैं। तो क्योंकि आपको पता है जिनसी आज़ादारी के साथ नमाज का तल्लुक है वो बहुत गहरा तल्लुक है, तो इसी वजह से आज़ादारी हर वक्त लेकिन नमाज बार वक्त। तो अभी बाद जमात नमाज़ पढ़ने इंशाल्लाह अभी चलते हैं ऊपर, भाई तो ऊपर जा चुके हैं मेरे ख्याल से, तो मैं बस पीछे जाता हूँ, मरगा हम आ चुके हैं। Later that same evening. तसवराबाद पहुँच गए जी, जो अभी तसवराबाद वाली रात की मजलिस होती है उस पर पहुँच गए, तसवराबाद आ गए जी, चलते हैं बाकी मजलिस की तरफ। जी भाई जान, जी मैं ना करा बिस्मिल्लाह, सारे सिर का पुरसा पढ़ो, अज चोरी दिशा दाते, अज छे महरम निराते, ओ जितने सैयद बैठे हो थोड़े पलों माफी मंगसा। हाय रोले का बेच जारा, रोले का बेच जारा, दो गुड़िया बिचाके अब हम लोग कितना घर है हमारा तीसरा घर है जी मातमदारी का, इस जगह पर हमने पुरसा पढ़ने और बाकी सारी संगत वहाँ न्यास कर रही है, वहाँ से न्यास करके आते हैं तो फिर यहाँ पर मातमदारी स्टार्ट करते हैं। नकीशा जो है वो वीडियो बनाएगा, तो ये हमारा आज का तीसरा घर है, दो इमाम बरगा, पाँचवा पुरसा अलहमदुल्ला से हमारा चल रहा है। अच्छा जी, तो तसवराबाद वाली जो मजलिस आज़ाद थी वो ख़त्म हो गई, अख्ताम पजीर हो गई है, उसके फौरन बाद मातमदारी भी हुई है। मातमदारी के बाद अब हम आ गए हैं तसवराबाद कलोनी में ही, आबिद शाह साहब का घर है यहाँ पे, उनके घर मातमदारी का बिल्कुल अहतमाम किया गया, ये अभी उन्हीं के घर आए हुए हैं, अभी आज़ादाना मजलूम में करबला आ रहे हैं साथ साथ। बाजार चैन बता, आबिद दे सिवा कोई नहीं।
आज का ब्लॉग एंड खर्चा भी करेंगे सारे आदमियों पर नजर। ये सारे मेरे निर्खान बैठे हैं, ये इनके उस्ताद मोहतरम, बाकी ये सारे शिगिरद, बाकी ये सारे शिगिरद इनके बैठे हैं, यहाँ पर आदमी सारे बैठे हैं और ये सारे निर्खान, ये नया आया है और इनकी सलामत करे। ये आदमी सारे आदमी आज का यह आखिरी पुरस्कार है ब्लॉग एंड खर्चा।